हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर वापसी करती नजर आ रही है। शाम को वोटिंग खत्म होते ही जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ आई। लगभग हर एग्जिट पोल में कांग्रेस की ही सरकार बनती नजर आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। चलिए एक एक कर कुछ एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। चुनाव सर्वे एजेंसी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को 55 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है, INLD को 3 से 6 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में 2 से 8 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बात चुनाव सर्वे एजेंसी ध्रुव के एग्जिट पोल की। हरियाणा को लेकर ध्रुव के एग्जिट पोल का अनुमान है कि ध्रुव रिसर्च के पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, कांग्रेस को 57 सीटों का अनुमान दिख रहा है, बीजेपी को 27 सीटों का अनुमान, अन्य को 6 सीटें मिल सकती है। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 15 से 29 सीटें, INLD प्लस को 1 से 5 सीट और अन्य के खाते में 6 से 9 सीटें जाती दिख रही हैं। बात करें पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की, तो पीपल्स पल्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 49 से 61 सीटें, बीजेपी को 20 से 32 सीटें, INLD प्लस को 2 से 3 सीटें और अन्य के खाते में 4 से 5 सीटें नजर आ रही हैं। वहीं जस्ट के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 45 से 53 सीटें, बीजेपी को 29 से 37 सीटें, INLD गठबंधन को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें दिख रही हैं। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होती नजर आ रही है, जिससे कांग्रेस में खुशी की लहर नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी खुश नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस भले ही अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी के हौसले अभी भी बुलंद है। मौजूदा CM नायब सिंह सैनी को उम्मीद है कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ, हमें पूरा विश्वास है। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन असली नतीजे तो मंगलवार 8 अक्टूबर को आएंगे और उसी दिन पता चलेगा 8 अक्टूबर को किसका मंगल होगा। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस 10 साल बाद हरियाणा में वापसी करेगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? Sarkar banegi to 36 baradriyon ki sarkar banegi. Ram Ram! Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana mein maujood hai hum is waqt. Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.